नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि प्रदेश भर में कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन, सरकार के खिलाफ कई कर्मचारी यूनियंस का ये हल्ला बोल, श्रम कानून खत्म करने समेत कई फैसलों का ये लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी शामिल हैं। डीसी ऑफिस के सामने कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ये प्रदर्शन, कई संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद हुए, जेल भरो आंदोलन, प्रदेश भर में कर्मचारियों का सत्याग्रह आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ कई कर्मचारी यूनियंस का ये हल्ला बोल, कई तरह की इनकी मांगे, खास तौर पर श्रम कानून खत्म करने समेत कई फैसले शामिल सरकार की ओर से, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, और ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहाँ पर संगठनों का ये विरोध, श्रम कानून खत्म करने समेत कई फैसलों का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और इसमें कई आशा वर्कर्स भी शामिल हैं, इसके अलावा कई अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग जो कि शामिल हैं। ये सत्याग्रह आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत की वर्षगांठ थी, और ऐसे में ये फैसला लिया गया जिसके तहत प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है। डीसी ऑफिस के सामने कर्मचारियों का ये विरोध प्रदर्शन, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फरीदाबाद और नौनौंद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जेल भरो आंदोलन, तो वहीं कर्मचारियों का किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, हेल्पर यूनियन, इसके अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, कई यूनियन का साथ, पावर कॉरपोरेशन के भी कर्मचारी इसमें जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कर्मचारियों का ये हल्ला बोल सरकार के खिलाफ, और कई तरह के फैसलों का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और आज अलग अलग हिस्सों से प्रदेश के ये तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं, जहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग संगठनों का समर्थन, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग जो कि इस प्रदर्शन में शामिल, सरकार की नीति का ये लोग विरोध करते हुए और मांग कि इनके हित में अब कुछ फैसला लिया जाए। जेल भरो आंदोलन ये जारी है प्रदेश भर में, और अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है। आप फरीदाबाद और नारनौंद की तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई कर्मचारी यूनियन जो कि साथ आए हैं और जिन्होंने विरोध जताया है। इस बीच सोनीपत से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर भी कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सर्व कर्मचारी संघ और किसान यूनियन का प्रदर्शन, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मिनी सचिवालय के बाहर कर्मचारियों का ये जो विरोध प्रदर्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन में पीटीआई टीचर्स भी शामिल हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1983 पीटीआई टीचर्स ऐसे हैं जो कि पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए। इस बीच मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी मौजूद है, सिरसा से मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर सिंह मौजूद है, इसके अलावा मनोज भी मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है, फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले देवेंद्र, मैं आप ही के पास आना चाहूँगी, क्योंकि लगातार तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। फरीदाबाद से भी तस्वीर निकल कर सामने आई, जहाँ पर हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर तमाम कर्मचारी उतरे हुए हैं, मौजूदा स्थिति वहाँ पर क्या कुछ देवेंद्र? बिल्कुल प्रिया, देखिए 11 बजे एक आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम रखा गया था जेल भरो आंदोलन, और इसके साथ साथ में सत्याग्रह का आंदोलन की भी एक शुरुआत की गई थी। और हमें जिक्र करूं, देखिए 9 अगस्त वो दिन है जब 9 अगस्त 1942 को बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं अभी कैथल का रुख करना चाहूंगी। मनोज मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है, और वहां पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, सीधी तस्वीरें मनोज मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं। मनोज, तस्वीरें दिखाई और ये बताइए कि ताजा हलचल वहां पर किस प्रकार की? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कैथल के अंदर जो सभी कर्मचारी संघ भी है, काफ़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, और जो भी जो आप देख रहे हैं ये सचिवालय में अब सीधे जाएंगे और वहाँ पर गिरफ्तारी भी देंगे, हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल, और हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि क्या कोई क्या रुख अगला क्या रुख रहेगा अगला क्या रुख रहेगा प्रदर्शन किस प्रकार आगे हमें प्रशासन जिला सचिवालय पर जाएंगे, और कोविड के दौरान धारा 144 लगी हुई है, अगर सरकार चाहे हमारी गिरफ्तारी कर सकती है, वरना हम अपने आंदोलन
आंदोलन को आने वाले समय में इसी तरह से जारी रखेंगे जब तक सरकार अपनी पॉलिसियों को वापस नहीं लेती। और हरियाणा सरकार हमारे निकाले गए 1983 पीटीआई को जब तक वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो इनके वर्करों की जो प्रधान है उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या आंदोलन आज का? आज जो है पूरे देश के अंदर सत्याग्रह दिवस संगठनों ट्रेड यूनियनों द्वारा मनाया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भी हमारे देश को गुलाम किया गया, बेचा गया। इसी तरीके से जो है आज सरकार हरियाणा के महकमों को बेच रही है, विदेशी हाथों में सौंप रही है, और 1983 पीटीआईओं का यहां पर काम छीना गया है। ऐसे ही स्कीम वर्करों के आंदोलन में फेर बदल करके इनके ठेके पे देने की साजिश चल रही है, जिसको किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा, और आने वाले टाइम में सरकार को तेज आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। आज की क्या रणनीति तैयार की गई है? आज की आप क्या करेंगे? आप जी आज जो है सभी ट्रेड यूनियन इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही है, और देश में सरकार ने आंदोलन को छीन भिन करने के लिए 144 धारा लगाई गई है। हम कहना चाहते हैं क्या 144 धारा अयोध्या में नहीं टूटी? हमने भी आज 144 धारा को तोड़ा है, और अगर ये जो धारा है इसको तोड़ने के विरोध में अगर हमें प्रशासन गिरफ्तार करता है तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा जो ये संगठन वाले हैं, जो भी अलग अलग संस्थाओं से ये लोग जुड़े हुए हैं, सभी कच्चे कर्मचारी भी हैं, पक्के कर्मचारी, और जो कोरोना की आड़ में हटाए गए हैं उसको लेकर भी काफी इनमें रोष दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार ये आज अभी गिरफ्तारी देने के लिए सचिवालय की तरफ रवाना हुए, और थोड़े समय रह चुका, और जिला उपायुक्त को भी ज्ञापन सौंपेंगे गिरफ्तारी, और जो प्रशासन है उनको बोल चुके हैं कि अगर हम गिरफ्तारी देंगे, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए। मनोज जी, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, जो लोग ये मांग कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी इनकी? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जिस तरह की, क्योंकि ये प्रोग्राम केंद्र की ट्रेड यूनियनों के अनुसार दिया गया है, पूरे देश के अंदर आज सत्याग्रह है। 78 साल पहले जिस तरह का सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, आज हम देश को बेचने के विरोध में इस तरह का सत्याग्रह कर रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, और किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री को इस देश को बेचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस देश की जनता जब तक ये अपनी पॉलिसियों को वापस नहीं लेते, सरकारी उपक्रमों को दोबारा से नहीं बनाते, इस देश की जनता सड़कों के ऊपर रहेगी। जी बिल्कुल, इनका कहने है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो सड़कों के ऊपर इनके जो भी संस्था के लोग हैं, कर्मचारी है, सभी सड़कों के ऊपर रहेंगे। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि आज से इन्होंने ऐलान कर दिया है 4 दिन की हड़ताल का, और ऐलान कर दिया गया इनके द्वारा कि अगर सरकार नहीं बातचीत करती है, सरकार नहीं मानती है, तो 4 दिन के लिए आगे हड़ताल जारी रहेगी। जी हाँ मनोज, साथ ही साथ कैमरामैन को बोलिए कि और ही पीछे की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, और अब आगे की ओर ये बढ़ते हुए कहाँ जा रहे, कब तक इनका ये कहना है जिस तरीके से इनकी मांगे कि आर पार की जंग का इन्होंने ऐलान कर दिया है, आखिरकार इस पूरे मसले पर क्या कुछ रिएक्शन जो है वो निकल कर सामने, और कितने संगठन यहाँ पर मौजूद भी है? मनोज जी बिल्कुल, देखिए कम से कम यहाँ पर 35-30 जो संगठन बताए जा रहे हैं वे संगठन यहाँ पर मौजूद है, और मैं आपको दिखाने भी चाहूंगा कि इनके बैनर भी लगे हुए हैं, और जो संगठन है बिल्कुल नाराज दिखाई दे रहे हैं, और अब सचिवालय के अंदर ये आ चुके हैं, और यहाँ पर आकर अब ये गिरफ्तारी भी देंगे, प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं फरीदाबाद का रुख करना चाहूंगी। देवेंद्र कौशिक मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, आपको पहले रोका था, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रिया में जिक्र कर रहा था कि तमाम जो कर्मचारी संगठन हैं वो आज देशव्यापी हड़ताल उन्होंने बुलाई थी, और इसका नाम रखा गया था जेल भरो आंदोलन, और वो ये जेल भरो आंदोलन इसलिए कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए इस तरह का आंदोलन किया था, और कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठन आज इसी तारीख को इसलिए ज़्यादा मानते हैं चूँकि वो सरकार के साथ में कहीं ना कहीं जो 36 का आंकड़ा कर्मचारी संगठनों का दिखाई देता है, और इसकी वजह यह है कि निजीकरण की जो पॉलिसी है सरकार की कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं, और आज करीब फरीदाबाद
बिहार में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे कर्मचारी संगठन, चाहे हरियाणा रोडवेज यूनियन की बात करें, सर्व कर्मचारी संघ की बात करें, सीटू की बात करें, आशा वर्कर के साथ साथ में हम देख रहे हैं लगातार पिछले काफी दिनों से पीटीआई अध्यापक आंदोलनरत हैं और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और यहां तक कि पीटीआई जो अध्यापक हैं उनकी तरफ से कई जगह मंत्रियों के काफिले को भी रोका गया। उनके सामने अगर फरीदाबाद का भी जिक्र करें तो अभी एक हफ्ते पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की गाड़ी को रोक दिया गया था इसी सेक्टर 12 में, जहां आज ये कर्मचारी यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और उन्हें पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा था। और देखिए अभी भी ये लगातार जो पीटीआई अध्यापक है वो अभी यहां है, हालांकि जो बाकी कर्मचारी संगठन है वो यहां से एक सांकेतिक तौर पर जेल भरो आंदोलन की जो रूपरेखा थी उसको पूरा करने के बाद में निकल चुके हैं। लेकिन ये जो पीटीआई अध्यापक हैं जो 1983 वो अभी भी यही हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं कि आखिर इनकी मांग क्यों है, जो लगातार यहां बैठे हैं कहना क्या चाहते हैं। आप एक बार आगे आए तो अगर बता पाए कि आज जो संगठनों ने जिस तरह से आंदोलन किया है आप उसमें शामिल रहे हैं, मांग क्या है? जी हमारी मांग ये है कि एक तो जो सरकार ने हमारे को 1983 पीटीआई को बाहर निकाला है, हमारे को ससम्मान हमारी वापस दोबारा भर्ती की जाए, नए सिरे से नहीं, जैसे हम जिस सम्मान से थे उसी सम्मान से भर्ती की जाए। और हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं और ये जो हमारा 78वीं सत्याग्रह की वर्षगांठ थी उसके उसमें हमने सम्मान में हमने ये आज जेल भरो आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ पर देखिए सवाल उठता है बार बार ये कि आप आंदोलन लगातार आंदोलनरत हैं, तमाम कर्मचारी पिछले लंबे सालों से ये आंदोलन चल रहे हैं लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, आप फिर दोबारा एक बार विरोध के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। आखिर सरकार जब नहीं मानती है तो आगे अगले कदम क्या रहते हैं आपके, क्या करेंगे जी? अगले कदम तो जब रूपरेखा बनाई जाती है, जब हमारे मांगे नहीं मानी जाती है उसके बाद मान जाती है। इंकलाब जिंदाबाद का हमारा जो नारा होता है वो इसलिए होता है कि हमारी जो मांगे हैं वो हम अपनी पुरजोर तरीके से मनवाएं। जी बिल्कुल, देशव्यापी हड़ताल है, हमारे साथ प्रधान भी हैं संगठन के, उनसे भी बात कर लेते हैं। सांकेतिक तौर पर आपने गिरफ्तारी भी दे दी, ज्ञापन भी सौंप दिया, अब अगला कदम क्या? अगला कदम हम तालमेल कमेटी के माध्यम से, कल मीटिंग थी सभी संगठनों की जिसके अंदर आप इंटक है, एटक है, सर कर्मचारी संघ है, महासंघ है और आशा वर्कर है, मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और अध्यापकों के भी जितने संगठन हैं वो सभी साथी जींद के अंदर कल इकट्ठे हुए और एक स्वर में उन्होंने दोबारा से 14 तारीख का एक कार्यक्रम रखा है और उसमें जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। इन साथियों की जो पीड़ा है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2010 के अंदर जो 2006 के अंदर ज्ञापन निकला था 1983 पीटीआई की भर्ती उसमें की गई थी और उस समय जिस समय कोर्ट में केस चल रहा था 2013 में ये लोग हाईकोर्ट से हारे, उसके पश्चात 10,000 रुपये का इन पर फाइन भी किया था, जुर्माना किया था, लेकिन उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इनकी उसको डिसीजन को ठीक ढंग से हाईकोर्ट का जो हुआ था उसमें पढ़ा। मैं आपको पूरा इतिहास ये तमाम तरह के जो बिंदु हैं वो आपकी तरफ से रखे गए लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस तरह से आगे इनको नहीं ले सकती, दोबारा से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब लेकिन आप फिर भी सड़कों पर हैं तो चाहते क्या हैं आखिर, क्या आपकी बात को अभी विश्वास है, भरोसा है आपको सरकार पर कि वो सुनेगी? हमारा कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना करके सरकार, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से भी बार बार यही विचार आ रहा है और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी यही विचार आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पक्ष रखा गया सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी थे, तो सच्चाई ये है कि सरकार ने इन साथियों का पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि आपके पास में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि 67-68 वो साथी थे जो पिटिशनर थे, उन साथियों को एडजस्ट करने के उससे मूड से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था। ये तो रही पीटीआई अध्यापकों की बात, लेकिन जब तमाम ट्रेड यूनियंस जब विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जो अगर मुख्य बिंदु अगर उनकी मांगों के अगर रहे हैं तो क्या रहे हैं और क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य बिंदु पर ही मैं आ रहा हूं इसमें कि उनको एडजस्ट करने की बात थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में ये दर्द बयान किया है कि हमें दर्द है कि 2010 साल के पश्चात हमें जिसको लेकर ये लोग नाराजगी व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए, हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सिरसा का एक बार रुख कर लेंगे जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमर सिंह मौजूद है। अमर, अगर वहां की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर आपको किस प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है? सर हमारे सीआईटी के साथी थे,
देखिए प्रिया, यहाँ इसमें सिरसा के टाउन पार्क में है जहाँ सभी कर्मचारी और सर्विस कर्मचारी संघ से जुड़े हैं, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारी हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, तमाम कर्मचारी आप देख सकते हो पीछे मेरे पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ बैठक की जा रही है और उसके कुछ ही देर बाद में अभी यहाँ से निकलेंगे और लगातार रोज प्रदर्शन बाजारों में निकलेंगे और उसके बाद जाके जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी जेल भरेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। मेरे साथ कुछ कर्मचारी है, उनसे बातचीत करना चाहूंगा कि किस तरह से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपका आगे रुख क्या रहा है? आज पूरे देश के अंदर 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हम भारत बचाओ अभियान चला करके इस आंदोलन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोविड-19 की आड़ में केंद्र की भाजपा सरकार, राज्य सरकार जो काले कानून लागू करके इन महकमों को बंद करने जा रही है, 1983 पीटीआई को बहाल नहीं कर रही, आए दिन श्रम कानून में बदलाव करने का जो फैसला कर रही है, तमाम आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील जो परियोजना वर्कर है उनकी लंबित जो मांगे हैं उनको मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, और तमाम विभागों में जो कार्य करने वाले हैं, ठेका प्रथा पे काम करने वाले हैं, उन ठेकेदारों को बाहर किया जाए, कमीशन लेते पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, इन तमाम मांगों को लेकर के हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सत्याग्रह के आंदोलन में पहले हमारा था कि गिरफ्तारियां करेंगे, लेकिन हमने इसमें बदलाव करते हमने ये रखा है अभी इसके अंदर हम सत्याग्रह आंदोलन करके पैदल मार्च करते हुए जुलूस करेंगे रूप में इस सभा को सम्मिलित करेंगे। तो प्रिया, मैं कुछ कर्मचारी होत भी है, महिला कर्मचारी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपका आंदोलन लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, अब आगे आपकी रणनीति कैसे रहेगी? अगर हमारी सरकार, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान कलावती माखुसरानी मेरा गाँव है, अगर हमारी सरकार आंदोलन करने के दौरान भी बावजूद भी अब अगर हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो आगे हमारा आंदोलन जारी होगा और 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को आगे से हमारा आंदोलन अब भी शुरू होगा। तो आगे इनका आंदोलन जारी रहेगा। मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार आपने पहले भी आंदोलन किए, जैसे आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करे, ठेका प्रथा बात खत्म करने की मांग करे, तमाम मुद्दों को लेकर बहुत बार हड़ताल कर चुके हैं, बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास इसका, सरकार पे इसका कोई असर दिखाई नहीं रहा। अब आप क्या करना चाहेंगे, आगे क्या करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ऐसा नहीं सुनती हमारी इन मांगों को, इतने लंबे दौर के आंदोलन के बाद भी हमने ये तय किया है कि हम आम इन चुनावी दौर से पहले पहले आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जन को जगाने का काम करेंगे, जो लोग जनता, जो आम जनता वोट देकर के इनको सत्ता में लेकर के आती है, इनके झूठे वायदों को लेकर के जनता के बीच में पोल खोलने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर एक ऐसी अच्छी सरकार बने जो इन मांगों को लेकर के पूरा करे। तो प्रिया, आपने सुना कि किस प्रकार जो कर्मचारियों में लगातार रोष है, उनका कहना है कि लगातार वो प्रदर्शन करते हैं, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मांगी तो आने वाले दिनों में उन्होंने ऐलान कर दिया है अमर, और जिस तरीके से तमाम कर्मचारियों ने जिक्र किया वो नाराजगी भी साफ तौर पर यहाँ पर जाहिर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए, और तमाम कर्मचारियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से अपनी बात रखी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पे। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि वेटोनिक, सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला, 101 उपकरणों के आयात पर लगेगी रोक, राजनाथ सिंह का ट्वीट, रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को दिया जाएगा बढ़ावा। देश में कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा संक्रमित, 875 लोगों ने गंवाई जान, 52,000 से ज्यादा हुए ठीक, एक्टिव केस 6,28,000 के पार। कोरोना के मामलों में गुरुग्राम से आगे निकला फरीदाबाद, 24 घंटे में 149 मरीजों की हुई पुष्टि, सोनीपत में 34वीं मौत और करनाल में 14वीं मौत दर्ज। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा भवन में फरीदाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ बैठक, कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर देशभर में श्रमिक संगठनों का सत्याग्रह आंदोलन, हरियाणा में भी जगह जगह प्रदर्शन, आशा वर्कर, पीटीआई, सफाई कर्मी समेत कई क्षेत्र के कर्मचारी हुए शामिल। कैथल में मामूली कहासुनी को लेकर मर्डर, जनकपुर कॉलोनी में महिला को उतारा मौत के घाट, घर के सामने रहने वाले पर आरोप।
रेवाड़ी में महिला ने ससुर पर लगाया बेरहमी से पिटाई का आरोप। फर्श पर पानी फैलने के बाद वाइपर और डंडे से पीटा, शरीर पर दिख रहे जख्म के निशान। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। व्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। व्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। अचीव एम्बिशन ड्रीम्स सक्सेस। Join KR Mangalam University, your destination success. पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, एन एजुकेशनल हब फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंश्योरिंग अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट, योर डेस्टिनेशन सक्सेस। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। एलू बिल्लू दो थे चोर, इनके चर्चे चारों ओर, करके होल इन द वॉल, सारा माल जेब में डाल, और फिर लग गई ब्रेक ऑन चोरी, आ गई बांगड़ की बोरी, बज गया इनका बैंड, चल दिए फॉरेन लैंड। पर देखिए इनकी किस्मत, जिसके घर पे धावा बोला वो वही था जिसने बोला, बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, एन एजुकेशनल हब फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंश्योरिंग अ सेफ एंड सिक्योर लर्निंग एनवायरनमेंट, योर डेस्टिनेशन सक्सेस। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन, जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरे जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर वन औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसान एक बार फिर से गुस्से में नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिरसा जिले के गांव नेजिया खेड़ा में अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर किसानों ने गांव के चौपाल पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांध कर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। किसान नेता विकल पचार ने बताया कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर किसानों में भारी गुस्सा है। सरकार किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही और किसानों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार फिर भी किसानों के बारे में नहीं सोचती है तो वो आगे बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के किसान किसान क्रांति दिवस मना रहे हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है उनका विरोध। गाँव में किसान काली पट्टियां मुंह पर बांध कर उन तीनों
अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। अगर ये अध्यादेश आ गए तो देश की खेती पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों के हवाले हो जाएगी और देश में खेती किसानी करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आज पूरे देश में विभिन्न हर एक गांव के अंदर कोई किसान साथी शहर नहीं जा रहा है। गांव में अपनी चौपालों पर किसान इकट्ठा होकर मुंह पर काली पट्टियां बांधकर सरकार से इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साथ में जो किसानों की मांग है कि फसलों के पूर्ण दाम, किसान कर्जा मुक्ति और सुनिश्चित आय की मांगों को लेकर ये पूरे देश में धरने चल रहे हैं। किसान क्रांति दिवस को लेकर पूरे देश के किसानों में उत्साह है। यदि सरकार ने जल्द ये काले कानून वापस नहीं लिए तो देश का किसान जल्द सड़कों पर आएगा, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार होगी। राजस्थान के सीमा से सटे एलनाबाद के गांव कर्मशाना, मिठनपुरा, ढाणी, शेरा और किशनपुरा को लगने वाली भाखड़ा नहर का पानी ढाणी शेरा माइनर में नहीं आ रहा। इसके कारण चार गांव में पिछले लगभग 15 सालों से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। अगर कहीं पानी पहुंच भी रहा है तो वो भी बहुत ही कम मात्रा में। इसी बात को लेकर चारों गांव के युवाओं ने नहर के पुल पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई। युवाओं ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, कहा कि अगर साफ पानी नहीं मिलता है उन्हें तो वो नोहर रोड पर फोर लाइन के पास चक्का जाम करेंगे। आरोप लगाया गया है कि इस नहर पर जिस जेई की ड्यूटी है उसका फोन बंद आता है और वहां पर जो अधिकारी हैं वो बात नहीं सुन रहे। काफी लंबे समय से हमारी मांग चल रही है पानी पीने की और हमें पानी पीने का नहीं मिल रहा है किसी तरीके से, चाहे कौन सी सरकार है। हम कोई सरकार पक्ष में नहीं बोल रहे, हम सिर्फ पानी के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज हमें अगस्त के महीने में पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा तो मई और जून में कैसे मिलेगा। आज हम खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आज मान लो आज हमारे को यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। चले बात करते हैं कोरोना के कहर की बड़ी खबर से आपको रूबर करवाए जो कि सिरसा से मिल रही है। जिले में आज 21 नए मामले रिपोर्ट हुए, 2 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। जिले में अभी तक 6 लोगों ने जान गंवा दी है। तो हालात लगातार बहुत ज्यादा सिरसा में गंभीर बने हुए हैं। लगातार मामले जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ते हुए और अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके भी संक्रमण में आने की पुष्टि हो रही है। 2 पुलिसकर्मी जिनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सिरसा से एक खबर जहां पर कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, 2 पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर में संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हुए 21 नए मामले जिले के अलग अलग हिस्से से रिपोर्ट हुए। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में टॉप करने वाले हरियाणा के प्रदीप मलिक से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यूपीएससी टॉपर प्रदीप मलिक को बधाई दी। देश भर में यूपीएससी में पहला स्थान लाने वाले प्रदीप मलिक ने हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो आपको बताएं कि प्रदीप मलिक ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, खुद वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, भविष्य के लिए बधाइयां भी दी हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली महिलाओं।